अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं अलकम एजुकेशनल चैनल। तो हम लेके आए हैं आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट इडियम्स। पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ वर्ड दे दिए जाएँ, लेकिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स होती है कि इनको सेंटेंस नहीं मिलते, इसलिए मैंने सोचा है कि इसको इसी तरह ही दे दिया जाए ताकि आपके लिए आसानी हो और कोई मसला ना हो। तो ये जो इडियम्स है ये गुजरांवाला बोर्ड के लिए भी हैं और लाहौर बोर्ड के लिए भी है, तकरीबन दोनों के सेम होते हैं, सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है। तो मैंने निशान लगाए, मैं साथ साथ बताता हूँ आपको। ये देखिए जी, ब्लाइंड एली, ठीक है। उसके बाद है ये जिसको मैं सर्कल किया हुआ है, एट हैंड, ठीक है। अब ब्लू स्टॉकिंग, 5 पे है बॉन ऑफ कंटेक्शन, 6 है अबव ब्रॉड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए मैन ऑफ लेटर्स। उसके बाद है 11 पे है एंड 11th आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। उसके बाद है मीडियम स्पीच, ठीक है। इसको मैं साथ साथ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से जो है जुमले भी देख लें, आपको कोई मसला ही ना हो, ठीक है। अब अगले पेज पे आते हैं। ये जी मेरे पास है, पहले में मेरे पास हमारे पास आता है, देखिए, अ नैरो शेप या फिर अ हेयर ब्रेड एस्केप, ठीक है। ये दो फिक्रे आ जाते होते हैं। उसके बाद अ रोलिंग स्टोन, ठीक है, ये जुमले भी यहाँ पर है। अ लेट एट अ डे, अ डार्क हाउस, अ ब्लैक शीप, एट क्रॉस पर्पस। तो आप पूछ रहे थे, आपको उसी मतलब को ना पता होना चाहिए। उसके बाद जुमले तो आप अपनी वर्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आ जाए एट डैगर स्टोन, ठीक है, एट होम इन, और बस अब जिस पे मैंने निशान लगाए आपने वही करने, वही आपके एग्ज़ाम में आने हैं, ठीक है। लाहौर गुजरांवाला के, ये देख लेंगे, अब आपको कोई मसला ही नहीं होगा। डाउनलोड करके टाइम से आया करें, वीडियोस को ऑन करते जाएं और स्लो करके देखते जाएं। अगला पेज मेरे पास है, एट लार्ज है, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड है, अ मैन ऑफ जो है स्ट्रॉ है, अ बेड ऑफ रोसेस है, अ ड्रोन गेम है, अ हार्ट नेट टू क्रैक है, अ बॉसम फ्रेंड, एन एपल ऑफ फंस आए, ठीक है, ये नहीं करना आपने। एप्पल पाई होटल है, ठीक है। उसके बाद अ बोर्ड फ्रॉम द ब्लू, अ विल्ड रोज चेस, ठीक है, ये भी आ जाता है। अ नियर मीन्स, ठीक है। उसके बाद ऑल एंड सेंट्री, अ पार्ट एंड पार्सल, ये फिर देख लें अच्छी तरह से। अच्छा जी, वीडियो को शुरू से लेकर आ सकते हो देखें ताकि मैं आपको टिप्स बता सकूँ, क्योंकि इडियम्स होते हैं अनलिमिटेड। बाज़त क्या होता है कि वो कुछ ऐसे फिक्रे भी देते हैं, उसको कैसे हल करना है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये चीज़ देख लें। उसके बाद है, टू ऐड फ्यूल टू फायर है, ठीक है, बर्ड ऑफ पैसेज है, अ ब्लेसिंग दिस काइज, एट अ स्ट्रेच है, ठीक है, ऑली टंग है। उसके बाद अबव ऑल है, अ जेल बर्ड है, ठीक है, और अ चाइल्ड प्ले है, ठीक है, चाइल्ड प्ले भी है, देख लें। आगे आगे, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही है, आयरन के लिए आप लोगों ने करना है, अगेन एंड अगेन भी कर लें क्योंकि भी बहुत आ जाता है। उसके बाद ब्रेक द न्यूज़ है, ब्रेड एंड बटर है, और बाय हुक और बाय क्रूक, बैग एंड पैकेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बोर्ड में आता है, ठीक है, चाहे गुजरांवाला हो, लाहौर बोर्ड हो, बुल्तान वाला जो भी हो, ठीक है। उसके बाद बीट अबाउट द बुश, ठीक है, ये आपके सामने लिखा भी हुआ है ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी देख लीजिए तरह से, जिस पर मैंने निशान लगाए आप लोगों ने सिर्फ वही करने हैं, तो इंशाल्लाह पेपर उस पर से आप आ जाएगा। उसके बाद बाय लीव्स एंड बाउंड्स है, ठीक है, ब्रेक थ्रू भी करना है, बर्न द मिड नाइट ऑयल है, अब ब्रोकन रीड है, ब्रेक द आइस है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आता है कि बैड ब्लड, ठीक है, बैड ब्लड आपने करना है, देख लें अच्छी तरह से। अब देखिए कितने ज़्यादा आइटम्स है, लेकिन जो मेन है वही मैंने निशान लगाया और इसमें से आपका पेपर आ गया। अगला मेरे पास क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाय एंड लार्ज, बाय डिंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद है बटर हाफ, और अभी इन द कैप ओनेट बोनेट, बस ये एक है, इसमें सिर्फ यही चांद है, ठीक है। आगे आ जाएँ, इसके बाद मेरे पास क्या है, कट नहीं, ये इसमें से कोई भी नहीं करना आपने। यहाँ पे इन कोल्ड ब्लड, कम टू ग्रीफ, कैरी डा डे, और कैरी डा डे के साथ ना एक कैरी वेट भी है, ठीक है, ये भी आप लोग कर लो ना, आपके ग्रामर में जरूर चलेगा, मेरे हाथ से यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद कम ऑफ एज है, कट आ सॉरी फिगर है, और कॉल इनटू क्वेश्चंस है, ये आप लोगों ने लाजमी करने, इसको सिर्फ आपको आधा घंटा लगेगा याद करने के लिए, क्योंकि सिर्फ मतलब आपने याद करना। उसके बाद है सिलेक्टिव है, बड़े ज़्यादा कैट्स पा है, ठीक है। आगे लास्ट में आगे पास है अ क्लोज स्टूड मैन, बड़ा सिंपल है। नीचे आ जाए टू कॉल नेम्स, ठीक है, टू कम टू लाइट है, और ये यहाँ से बस ये एक चीज़ें करनी है आपने, ठीक है। आगे आ जाए, उसके बाद मेरे पास क्या है, कम डाउन अपॉन है, एज कूल एज जो है कुकम्बर, ठीक है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद है चेक बाय जोल है, ये भी आप लोगों ने करना है, नीचे आ जाए, और डी में आपके पास आता है डे इन डे आउट है, डाई इन हार्डनेस है,
और इसमें एक चीज़ आती है डे बाय डे, तो ये फिक्र इसमें से सिर्फ आपने करने, ये आप सेंटेंस आपके साथ है, अब आपको कोई मसला नहीं होगा, आप इजी याद कर लेंगे, टाइम मैंने आपको सेव करवा दिया। डबल फेस है, डबल फेस आगे आ जाएँ, उसके बाद है कि एंड इन स्मोक है, टू ईट वंस वर्ड है, एवरी ईच है, ठीक है, उसके बाद है फिश स्टोरी है, फेयर प्ले है और फॉल इन विद है। ये ले जी, दोबारा से मैं इसको डाल रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आपको जुमले अच्छी तरह से नज़र आ जाए। आगे आ जाए आप, फ्रॉम हैंड टू माउथ है, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स है, फ्यू एंड फार बिटवीन है, ये देखिए मतलब भी साथ लिखे हुए, अब आपकी मैंने और आसानी कर दी है। फॉर गुड भी आ गए हैं, फ्रंच लीव आ गई है, उसके बाद आप फिश आउट ऑफ वाटर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, ठीक है, नीचे आ जाए और यहाँ पर है फ्लैश एंड ब्लड, और ये फाउल प्ले है, ये भी कर लें क्योंकि बास का आ जाता है, ठीक है। आगे आ जाए, ये जी मेरे पास है फ्लाई इन ऑनिमेंट है, ठीक है, फाइव सेक्स, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिक्र अक्सर आ जाता होता है दोनों बोर्ड्स में, गुजरा वाला बोर्ड में भी और लाहौर बोर्ड में भी, यहाँ से बस ये ऊपर दो वाले करने थे आपने। आगे आ जाए, इस पेज में से तकरीबन कोई भी नहीं है। आगे ये रे जी, यू एंड क्राई है, ऑप्शन चॉइस भी है, ये भी आप कर ही लें, ठीक है, हैंड इन हैंड है, हार्ट एंड सोल है, हार्ट एंड फास्ट है, होप अगेंस्ट होप है और होल्ड वाटर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नीचे वाला ना, टू हिट ब्लो द पेल्ट, तो ये कुछ मिला के 250 या 260 बनते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको वही इंपॉर्टेंट दिए जाएँ। उसके बाद है इन द टीथ है, इन द एयर है, उसके बाद है इन द नेक ऑफ टाइम है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गुजरा वाला बोर्ड में भी आया होता है और लाहौर बोर्ड में भी आता है, इन ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों फिक्रे, ठीक है। आगे इन अ फिक्स है, ये भी देखिए गुजरा वाला बोर्ड में भी आया हुआ और लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ, दोनों में आया हुआ, इसलिए आपने तकरीबन एडियम्स दोनों के सेम ही है। इन अ नट शेल करना आपने, इसमें से कीप एंड आर्म लेंथ ये करना आपने, कीप अ ब्रेस्ट ऑफ ये करना है, किन एंड किंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किक द बर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फिक्रे वो हैं जिसके आपने सिर्फ मीनिंग याद करने हैं, और मीनिंग के बाद आप सेंटेंस अपनी मर्जी से बना सकते हैं अगर आपको टेंस आते हैं तो। कोशिश करूँगा कि टेंस भी वीडियोस बनाए जाए, जब आप इम्तिहान से फारिग होंगे अच्छी तरह आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आगे आपने पढ़ना भी है ना। ये जी, उसके बाद यहाँ पर कीप एन आई ऑन करना है, लेम एक्सक्यूजेस है, लीव इन द लंच है, लिक द डस्ट है, लीड बाय नोज, ठीक है, और लास्ट में है लुक डाउन अपॉन, तो इसमें से सिर्फ आपने ही फिक्रे याद करने हैं, ठीक है। और इसमें से नीचे आ जाएँ, अननेसेसरी इवल है, ठीक है, नल एंड वॉइड है, बस ये बहुत मुख्तसर करके मैंने बताया आपको। उसके बाद है ऑफ एंड ऑन है, ऑफ हैंड है, ठीक है, उसके बाद बस, तो दो इसमें से आपने ये तैयार करने हैं। आगे आ जाएँ, टू प्ले टॉरेंट है, ठीक है, ये फिक्रा भी आ जाता होता है, रेनी डे है, रैंक एंड फाइल ये गुजरा वाला बोर्ड भी आया हुआ, लाहौर भी आया हुआ, और रॉयल रोड है। आगे आ जाएँ, उसके बाद है रेड टेप, ये भी आप लोगों ने करना है, स्मॉल टॉक वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर डैडी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीक एंड स्पेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बस, तो ये इसमें से है। आगे आ जाएँ, स्मेल अ रेड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप कहते हैं दाल में कुछ काला है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है टाइम एंड अगेन, और लास्ट में इधर है लाइन शेयर, बस इसमें से ये दो करने हैं आपके। आगे आ जाएँ, देखिए कितने छोड़े हुए हैं, उसके बाद है टू फेस द म्यूज़िक, ये आपने करना है, और बस इधर भी कोई नहीं है आपके लिए, इधर भी नहीं है, देखिए कितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवा दिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है अप इन आर्म्स है, और विद अ व्यू टू वाइट एलिफेंट है, ठीक है, वर्क वंडर्स है, ये ख़त्म हो गए। अब अच्छा, कुछ आपके ना फेजर वर्ड्स होते हैं मुख्तसर से, तो वो भी मैं आपको करा दूँ ताकि आपकी सिर्फ परेशानी ना। ये देखिए बेयर आउट है, इसमें से सिर्फ ये करना है, इधर आ जाए, इसमें से ब्रेक डाउन है, ब्रेक इन टू है, ब्रेक ऑफ है, और ब्रेक आउट है, और ब्रेक विद है, इस तरह के आ जाते होते हैं, तो ये आप लोगों ने करने। देखिए जुमले अब आपके पास हैं, अब आप लोगों ने टेंशन ही नहीं देखिए कहाँ से याद करने से, मैंने आपको इस तरह वीडियोज़ बना दी। अच्छा, इसमें से देखें ये कैरी ऑन और कैरी आउट आप लोगों ने करना है, और कट डाउन करना है इसमें से, ठीक है, और आगे आपके पास यहाँ पर है फॉल अपॉन, बैक अपॉन, फॉल ऑफ और फॉल आउट, इस तरह के छोटे छोटे फिक्र हैं, आप सिर्फ याद करने और कर लेने। और यहाँ पर देखें ये गेट आवर वाला है, ये भी आप कर लें, ठीक है, गेट आवर वाला भी कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ईडियम्स लाहौर बोर्ड के और गुजरा वाला बोर्ड के बिल्कुल सेम है। यहाँ से जो है ना, ये आपका गिव इन वाला, ये भी कर लें आप, ताकि बेचारों के पेपर आपका अच्छा हो जाए। ये देखिए ये गुजरा वाला बोर्ड में गो ऑफ आया हुआ है, ठीक है, कुछ 19-20 का फर्क है, ज़्यादा नहीं।
यहाँ से आप लोगों ने आ जाए लुक इन टू आप लोगों ने करना है, ठीक है। बस ये जी, इसमें से आपके पास है रन टर्म और रन ओवर, ये दो भी आप लोगों ने करना है। और ये देखिए सेट इन भी करना है, ये भी गुजरात वाला बोर्ड पे आया हुआ और सेटअप भी आया हुआ। आप लोगों ने पता क्या करना है, खोलना है और वीडियो को साथ साथ याद करते जाएं, टाइम ना जाया करें, आप ना करें, साथ साथ याद करते जाएं। अच्छा, पुट वाला भी करवा दी, यहाँ से आप लोगों ने ये भी करना है, पुट अप भी करना है, पुट डाउन भी करना है, पुट आउट और पुट बाय। ये छोटे छोटे फिक्रे हैं, इसको आपको सिर्फ एक घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा लगेगा, आप लोगों ने इसको करना है। बस ये थे आपके सारे एडियम्स हैं, आप इसको याद करें, इंशाल्लाह इसमें से ही आएंगे। और फ़र्ज़ करें कि एक दो एडियम्स हैं, कभी वो डाल देते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि वो एग्ज़ाम्स में से आए। कोई ऐसा एडियम्स आ जाता है आपको नहीं आता, तीन का लिए दो नहीं आते, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये ट्रिक्स है जिसमें आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। फ़र्ज़ करें कोई एडियम्स आ गया, ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ कि एक रेड लेटर डे आ गया, ठीक है। अब आपको ये आ नहीं रहा, आपने पता क्या सिंपल करना है, ये जुमला बता था, मैं आपको जुमला बताता हूँ, माई फेवरेट एडियम इज, ठीक है, लिखे कॉमे लगा के लगाना है, अ रेड लेटर डे, ठीक है। ये जुमला बनाने, अगर फर्स्ट करें कोई एडियम आ जाए और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि बनाना क्या, उसका मतलब क्या, तो आपने सिंपल ये कोई सेंटेंस लिखना, माई फेवरेट एडियम्स इज, यहाँ पर उस एडियम्स का आपने नाम लिख देना, ठीक है। अब दूसरे में दो तीन फिक्र बताता हूँ, आप कह सकते हैं कि माई टीचर टीच, ठीक है, माई टीचर टीच अस द idiom, ठीक है, idiom का नाम लगाया, जैसे कि रेड लेटर डे इन क्लास टुडे, आज हमारे जो उस्ताद है वो हमें ये idioms पढ़ाते हैं, सिंपल इजी वे, अगर कोई ना आता हो, ठीक है। उसके बाद ये दो हैं जो आप मेन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपल तरीके से आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई जुमला आ जाए आपको ना आता हो तो आप लोगों ने क्या करना है, ये फिक्रे लिखने और आपको नंबर इजी मिल जाएंगे। तो आप, मैंने आपको सोचें बता दिए ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना हो, और आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप उसको क्या करें, डाउनलोडिंग भी लगा दें, आपने ये वीडियोज़ देखनी है, साथ साथ देखते जाएँ और याद करते जाएँ, ईजी है, पीछे बैक बैक करते जाएँ, इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया ना, गुजरात वाला बोर्ड लाहौर बोर्ड पर 19-20 का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पेपर का सिलेबस तकरीबन सेम होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।